Hey, welcome back, boys and girls, to Dinopur, जहां पर पिछली बार मैंने तुम लोगों को बोला था कि हम लोग थोड़े डेथ वॉर्म्स देखने जाएंगे, पर हम लोग आए थे यहां पर थोड़ा मैप वगैरह अनलॉक करने और मुझे यहां पर एक बहुत ही वियर चीज़ दिखी। अगर मुझे वापस से दिख जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरे को सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ा था बीच में। आई होप वो चीज़ मुझे दिख जाए यार। मतलब बेसिकली ऐसा लग रहा था, तुमने अगर पोकन देखा हो ना, तो ऐसे डक्ट्रियो जब आता है ना तुम्हारे पास में, तो ऐसा ग्राउंड खोद खोद के आता है, बस यार कुछ वैसा ही चीज़ दिखाई दे रही थी मुझे। होपफुली वापस से दिख जाए यार। यहाँ पे सैंड ड्यून्स के आसपास ही थी, ज़्यादा दूर नहीं थी। सर्च करता हूँ, वैसे मिल तो जाना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ अ डेथ वॉर्म। मैंने अभी तक डेथ वॉर्म से लड़ाई की नहीं है, तो मुझे पता नहीं भाई कि कैसे इमर्ज करता है वो, बट होपफुली वही हो यार। अब ये नहीं पता कि मैं उसको हरा पाऊँगा नहीं हरा पाऊँगा अपने वाइवन से, बट वील सी होपफुली हरा पाए हम लोग। एक बार वो इमर्ज कर जाए ना, तो उस पर लाइटिंग वाइटिंग चला के हम लोग देख लेंगे उसको। पर आए तो सही पहले। ओ ये रहा, यही आया था पहले भी। तो ये क्या है ये पता नहीं है, पर मैं एक जगह पे रुक जाता हूँ। लेट्स सी इमर्ज करता है क्या एंड कर जा। ओके यार, डेथ वॉर्म ही है। ओके फाइन, कितने लेवल का है भाई? डेथ वॉर्म लेवल 1 का ही है। ठीक है। क्या हम इसको मार सकते हैं? ऐसे मार तो भैया सकते हैं इसको। ये हमें कितना डैमेज करता है ये नहीं पता यार। ओ गया अंदर गया, थोड़ा सा डैमेज तो किया मैंने उसको। बिजली मारो, बिजली 225 डैमेज कर रहा है हमें वो। हम उसको मार देंगे भाई। होपफुली आई हैव टू ऐड होपफुली देर, पर मार देंगे यार। मतलब मैंने लोगों को देखा रैप्टर से मार देते लोग इसको, तो इट शुड नॉट बी अ बिग डील आई गेस। ओके, हमें एक बिजली का झटका देना पड़ेगा इसको, अरे जो कि अच्छा नहीं पड़ा। ओके कम ऑन वाई वन, आई नो यू कैन डू इट। भाई एक लेवल का डेथ फॉर्म वैसे, ओह नाइस, करता तो काफ़ी डैमेज है। और इसका बैग निकला है। ओके तो इस बैग में जो है वो इसका हॉर्न होना चाहिए, आई होप सो। हो थोड़े बहुत और हॉर्न्स हमें कलेक्ट करने पड़ेंगे, इससे तो नहीं होगा। ओ एक हॉर्न मिला, डेथ फॉर्म हॉर्न। वो सिलिक ब्लैक पर्ल्स मिलते हैं, क्या बात है भाई। ब्लैक पर्ल्स तो काफ़ी रेयर आइटम होता है यार, इसी से मिल जाते हैं हमें। आई मीन इट वॉज नॉट रियली दैट हार्ड या, और काफ़ी आसानी से हमें मिल गए। 3 पॉइंट्स बढ़े यार हमारे, क्या बात है यार। मैं तो सारे मेले डैमेज में बर्फ कर रहा हूँ सच में। मैं 1000 मेले डैमेज करना चाहता हूँ भाई इसका। अगर हो गया ना भाई तो ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा भाई, बहुत अच्छा डैमेज देगा ये। हो सके तो थोड़ी और ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि आज हमें एक मैंटिस टीम करना है। हो सकता है कि एक अच्छे हाई लेवल वाला मैंटिस ना ज़्यादा ये हॉर्न्स लेता हो, सो आई विल ट्राई टू फाइंड सम मोर ऑफ देम। ओके अकॉर्डिंग टू द गाइड इसमें तो दिखा रहा है कि 12 हॉर्न्स लगने वाले हैं उसको। यार 12 हॉर्न्स थोड़े ज़्यादा नहीं हो जाएंगे? हमारे हमको एक ही मिला है अभी तक। वैसे विल बाय लार्ज डेजर्ट इंसेक्ट्स एंड ऑल्सो कैन बी यूज इन अ वेरी स्पेशलाइज्ड रेसिपी। तो थोड़े और ढूंढते हैं भाई, आज हम लोग डेजर्ट हॉर्न्स ही ढूंढते हैं, मतलब ये क्या कहते हैं डेथ फॉर्म हॉर्न्स ही ढूंढते हैं। मेरे को लगता है कि एक स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं हम लोग, कि ये जो पूरा डेजर्ट वाला जो एरिया है मैप में, उसको पूरे को हम लोड कर लेते हैं। मतलब कहीं ना कहीं तो हमें मिल ही जाएगा ना, तो वो आसान रहेगा आई गेस। देखते रहेंगे, डक्ट्रियो के जैसे ट्रेल्स रहते हैं, अगर वो आए तो मतलब डेथ फॉर्म है। अरे वैसे इसका एक और अटैक है जो शायद मैं दिखाना भूल गया था पिछले एपिसोड में। तो जब तुम नीचे बैठते हो और फिर सी दबाते हो, तो ऐसे ही अपने पंख फड़फड़ाता है, जो कि क्रीचर्स को दूर फेंकता है और बिना एग्रो किए, तो एग्रो नहीं होते और साथ ही साथ दूर भी फेंक जाते हैं। ये चीज़ काफ़ी मस्त लगी भाई। मैं थोड़े बहुत ये जो नोट्स हैं इनको डेलिबरेटली छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमको अच्छा डाइनो मिलता है और हम सोचते हैं कि यार उसको लेवल अप करें जल्दी जल्दी, उस टाइम के लिए नोट्स नहीं बचते फिर। तो आई एम सेविंग अप सम ऑफ द नोट्स, थोड़े बहुत ले रहा हूँ और थोड़े बहुत छोड़ दे रहा हूँ मैं। ये जगह कौन सी है भाई? ओके वेट अ सेकेंड, मैंने देखी कैसे नहीं ये जगह कभी भी, मैं यहाँ से आया तो हूँ। अच्छा वो रेड ऑब्लिक्स वहाँ पर है, तभी मैं देख नहीं पाया कभी भी। पता नहीं यहाँ पर अलग सी वाइब्स ही आ रही है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। मेरे को लगता है अंदर केव है यार भाई, कुछ अंदर केव है भाई। ओ व्हाट, अचानक से। ओ ओके, मैंने मैप का कुछ हिस्सा देखा इसलिए क्या? तो मुझे कुछ नए फेशियल हेयर मिले हैं जो कि मुझे चाहिए थे यार। ये तो बहुत ही अच्छी बात है यार, हमें थोड़ी सी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी गाइस। नाइस,
तो अगर मैं पूरा मैप खोलूंगा तो शायद उससे भी कुछ मिलता होगा, पर मैंने कुछ लाइक मे बी 75% ऑफ द मैप खोल दिया होगा, तो दैट्स वाई गॉट समथिंग। ओके गाइस, आई रीचेक्ड और मैंने पहले टीमिंग स्पीड जो हमारी है 8, वो डाल के नहीं देखी थी डोडो डेक्स में, तो अब मैंने डाल के देखी तो उसमें बता रहा है कि 2 ही लगेंगे बस डेथ वॉर्म हॉर्न्स। तो अगर हमें बस एक और मिल जाए ना तो यार उससे भी काम बन जाएगा, पर ये मिल तो नहीं रहा है ना, वही तो दिक्कत है। मतलब 120 लेवल का मैंटिस है ना, वो 2 से हो जाएगा। 120 के 150 लेवल का भी मैंटिस 2 से हो जाएगा। ओके, मुझे सीरियसली नहीं पता था कि वर्ल्ड्स का रहते दूर तक आता है। मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ, ये तो एरिया मैंने लोड ही नहीं किया था और यहाँ तक है वर्ल्ड्स कार। एंड नो, आई एम नॉट गोना स्टील एग्स टुडे। हम आज हम लोग किसी और मिशन पे आए हैं तो वो करेंगे पहले। ओ, यहाँ पर ये ड्रॉप क्या कर रही है यहाँ पर? वेट अ सेकेंड। ओके, इन द डेजर्ट देर इज अ ड्रॉप सिटिंग राइट देर। व्हाट? दैट मेक्स नो सेंस ब्रो, दिस एक्चुअली मेक्स नो सेंस। कैसे? ओके, लेट्स जस्ट पिक इट अप। ओके, देखते हैं कुछ तो मस्त सा मिल सकता है हमें। एंड लूट क्रेट को ओपन करो। ओ, हमें स्कूबा गियर मिला है और एक फर वाला बूट मिला है। ओके, नॉट बैड। स्कूबा गियर वैसे इसमें काम कहाँ आएगा भाई, कोई होता तो है नहीं यार, मतलब वो पानी तो होता नहीं है तो कहाँ पर ही जाएंगे भाई डूबने। अपन चुल्लू भर पानी में डूबे तो वो चुल्लू भर पानी भी कहाँ मिलता है इस मैप में। ओके, आई वांट टू सी अगर जो Y1 होता है वो अफेक्ट होता है क्या यूटायरेनस से, क्योंकि होना नहीं चाहिए भाई। यूटायरेनस इसको कैसे इफेक्ट कर सकता है? वो जो एक वो चीज़ होती है इससे डर जाते हैं तुम्हारे डाइनोस, आई डोंट थिंक ये इस पर होना चाहिए, और वो कर भी नहीं रहा है, सो मे बी नहीं होता। और मैं उसको उठा भी नहीं सकता हूँ, विच इज़ वियर्ड। मैं सच में सोच रहा था कि मैं यूटायरेनस को उठा पाऊँगा अपनी Y1 से, बट इट्स नॉट पॉसिबल। तो ओके, वेल दैट वॉज सिंपल। ओ, यहाँ पे एक और ड्रॉप है, क्या बात है यार, तो डेजर्ट में ड्रॉप्स रहती हैं। ओके, डिडंट एक्चुअली नो दैट, अच्छी बात है। मुझे लगा बस कीवीज में आती हैं ड्रॉप्स, पर यहाँ पर भी आती हैं, डेजर्ट ड्रॉप्स कहते होंगे शायद इनको। इस वाली में देखते हैं क्या है। डेजर्ट ड्रॉप, व्हाट यू गॉट फॉर मी? इसमें है, ओ नाइस, ओके दैट इज समथिंग वेरी वेरी यूजफुल। हमारे पास अभी जो पंप शॉटगन है वो पर्पल वाली है, पर अब हमें भाई गोल्डन वाली भी मिल चुकी है, क्या बात है यार। अब यार मैं थोड़ा मेंटिसेस की जो लेवल देखने लग जाता हूँ, क्योंकि अगर 100 लेवल के नीचे की हो ना तो हम आराम से शायद से एक ही डेथ फॉर्म से कर सकते हैं, बस 100 लेवल के ऊपर की जो है उन्हीं से प्रॉब्लम आती है। ओ मिला यार, इतना देर से ढूंढ रहे हैं तब जाके एक और मिला है हमें। स्टैमिना तो चलो ठीक है हमारा, इसको आने देते हैं और हमें फिर मुड़ना पड़ेगा थोड़ा सा। आया आया आया, ये सब एक ही लेवल के होते हैं क्या गाइस? हाँ, एक ही लेवल के होते हैं। ओके, और डैमेज भी उतना ही पड़ रहा है, हम लोगों ने काफ़ी सारा डैमेज ड्रेन कर दिया इनका, मतलब हेल्थ ड्रेन कर दी इसकी, अच्छी बात है। इसको एकदम फटाफट मारा जाए। यहाँ पर मैंटिसेस घूम रहे हैं यार, कहीं ये हमारा सामान चुरा ना लें। चलो फिर से वही वाली चीज़ करता हूँ। इसे अप्रॉक्सीमेटली पता है 1000 डैमेज चला जाता है इनका, वो जो चीज़ होती है ना उसे अप्रॉक्सीमेटली मैं बोलूँगा 1000 डैमेज जाता होगा। ओके, ओ नाइस, ओके फाइन। वहाँ पर इसका सामान पड़ा हुआ है, वो लेने के लिए भाई मेरे को उनको मारना पड़ेगा। कितने लेवल के हैं ये लोग? अगर अच्छी लेवल के तो हम इनको टीम कर सकते हैं। ओ बिल्कुल भी अच्छी लेवल के नहीं है, चलो पर इनको ज़रूर मार देता हूँ क्योंकि चार्ज अटैक करते हैं भाई गंदा वाला। ए गंदे लड़के, ये देखो 2 सेकंड में ढेर भाई। चलो मेरे को 2 अब डेथ वॉर्म हॉर्न्स मिल चुके हैं, सो आई एम गोना ट्राई टू लाइक कैप्चर लाइक कैच वन ऑफ द मैंटिसेस। टीम करने का ट्राई करते हैं गाइस। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ मैन, दिस गाय ऑलमोस्ट गॉट मी मैन, यू ऑलमोस्ट गॉट मी, मैं देख के गया नहीं था, अभी मेरे को मार डालता तो अच्छा नहीं रहता भाई। ओके, ओ इस बार हमें कुछ लीच ब्लड भी मिला है, क्या बात है। हमें साथ साथ ब्लैक पर्ल्स भी मिलते जा रहे हैं यार, इससे अच्छा क्या हो सकता है भाई। इसकी एक और लेवल बढ़ गई और हमारी भी एक और लेवल बढ़ गई, क्या बात, हमारी 2 और लेवल बढ़ गई, क्या बात है यार। हमको ये बूस्ट मिला हुआ है ना मेरे ख्याल से, इसलिए इसकी लेवल मतलब हमारी लेवल बढ़ चुकी है। नॉइस, एक चीज़ मुझे देखनी थी कि जो मतलब खुलने वाली थी हमारी इस लेवल पर, वो थी फैब्रिकेटेड स्नाइपर राइफल यार, मुझे वो चाहिए थी। ये रही फैब्रिकेटेड स्नाइपर राइफल एंड एडवांस स्नाइपर बुलेट, हमारी काफ़ी अच्छी चीज़ें खुल गई। तो इंडस्ट्रियल फोर्ज भी खुल चुकी है, अच्छी बात है भाई।
और हमारा क्या खुल चुका है, मोसासोर सैडल खुल चुकी है, क्वार्ट्ज सैडल खुल चुकी है। क्वार्ट्ज इसमें मिलता है क्या वैसे? आई डोंट नो मैन, मैंने एक भी देखा नहीं क्वार्ट्ज इसमें अभी तक, क्या पता मिलता हो। मैंने स्पाइनो भी नहीं देखा है अभी तक। रॉक गोलम सैडल ज़रूर खोल लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सस्ती है। ओके इसके अलावा हम बाद में देखेंगे, अभी तो नहीं देख रहे। पर ओके नाइस, हमारी लेवल काफ़ी अच्छी हो गई भाई, अभी हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें खोल सकते हैं। मैं बस दो डेथ वॉर्म्स तो आ चुके हैं। शुड आई लाइक ट्राई टू डू इट नाउ? आई कैन एक्चुअली ट्राई टू लाइक टीम वन। ये क्या हमें मिला है? हंटर हैट स्किन। ओके वील ट्राई इट आउट लेटर। चलो मैं ढूंढता हूँ यार अच्छे मैंटेसेस, अगर मुझे मिल जाएँ कुछ 150 वगैरह के तो देखते हैं उनको टेम करने का ट्राई करने वाले हम। ओके यहाँ पर थोड़े मैंटेसेस हैं, प्लीज़ बी ए गुड लेवल 12। और एक और कहाँ गया ये? एक तो ये हमेशा जोड़ीदार में स्पॉन होते हैं तो बेकार हैं ये, तो कुछ ऐसे खास नहीं है। मैंने सोचा था मेगा थीरियम्स वगैरह टीम करूंगा मैं, पर अब भाई हमारे पास वाइवन है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। हालांकि मेगा थीरियम भाई पता है इंस्टेंटली किल कर देता उसको, क्योंकि उसको बग बोनस मिलता है ना। पर ठीक है यार, मेगा थीरियम्स पकड़ने की सोच रहा हूँ मैं अभी भी, फिर भी काफ़ी सही क्रीचर्स हैं मेगा थीरियम्स। वहाँ पर 68 लेवल का है, 4 लेवल का है और 12 लेवल का है। नहीं, कम से कम 100 लेवल के ऊपर का पकड़ूंगा भाई, पकड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर एक नोट है, ओ मोर लैपटॉप्स के एक और नोट, पहले भी हम नोट देख चुके ना इसका। ओ ओके ओके ये आई गेस वो वाली चीज़ दिखा रहे हैं कि जब ये अकेला रहता है तो भागता है, और जब ये स्क्वाड में रहता है तो भाई रिएक्ट करते हैं फिर ये लोग। ओके मैप ऑलमोस्ट 100% हमने देख लिया है, बस थोड़ा बहुत जो माउंटेन वाली एरियाज़ है ना वो मैंने नहीं देख पाए हैं, वो भी मैं देख लूँगा जल्दी से। ये देखो फायर वाइवन अभी भी काफ़ी छोटा है, इसको रेस वो मतलब वो टाइमर तुम लोगों ने देखा होगा पिछले एपिसोड में चालू हो गया था, तो उसको रेस करने में काफ़ी टाइम लग रहा है। देखते हैं कभी ना कभी तो हो ही जाएगा भाई। वो ग्रीन कलर का रेक्स वन हुआ, लॉल कितने लेवल का भाई तू? 36 लेवल का बस। ये देखो भाई ये लोग इसी से मर जाते हैं। 16 लेवल का है, 292 डैमेज कर पा रहा है बस, चलो बढ़िया है। हम कितना डैमेज कर पा रहे हैं इसको? हम तो भाई 57 कर पा रहे हैं बस, छोड़ो बेकार। रॉक एलिमेंटल को तो शायद तोप से ही होता है डैमेज, हमें तोप बनानी पड़ेगी भाई कभी। अभी तो भाई टीम करने का कोई मेरा इरादा है नहीं उसको, क्योंकि बहुत मटेरियल्स लगते हैं भाई। ओके सीरियसली कोई भी अच्छे वाले मैंटे स्पॉन हो नहीं रहे हैं। अब देखना जैसे ही मैं एक टीम करूँगा ना वैसे ही अच्छे वाले स्पॉन होना चालू हो जाएंगे, पर अब क्या कर सकते हैं राइट, पकड़ना तो पड़ेगा ही। सो अगर मुझे 80 लेवल का भी मिला ना तो भी मैं पकड़ लूँगा। चलो 20 लेवल कम कर दिया यार, इससे कम नहीं कर पाऊँगा मैं। ओके गाइस फाइनली मैनेज टू फाइंड अ लेवल 112 वाला मैंटिस। हमें उससे पहले इन लोगों से पीछा छुड़ाना पड़ेगा क्योंकि ये दिक्कत कर सकते हैं भाई। ओके ओके 112 वाला हमारे पीछे आ रहा है ना, दूसरे वाले को मार देते हैं। आई लेट मी जस्ट रीचेक कि ये 112 ना हो। ओके नाइस, चलो अब एक तो मुझे सांपों को हटाना है, बाकी तो मेरे ख्याल से कुछ है नहीं यहाँ पे इतना। ओहो, चलो सांप गया। ओके गाइस दिक्कत अभी ये है कि एक्चुअली इसको सही से टेम करने के लिए तो मैं बग रिपेलेंट चाहिए होता है। तुम अपने ऊपर बग रिपेलेंट स्प्रे करो, अपने डायनो के ऊपर बग रिपेलेंट स्प्रे करो, और फिर एक तरह से तुम उसके लिए एक पत्थर की तरह हो जाओगे भाई, वो तुम्हें देखेगा तक नहीं है जब तक तुम एटलीस्ट उसे टच नहीं होते। अबे मेरे पास बग रिपेलेंट तो है नहीं क्योंकि उसमें सेट्रोनल रॉकेराट लगता है, तो मैं एक ट्रैप बनाने वाला हूँ जिससे हम लोग उसको ट्रैप करके उसके बाद टीम करें, क्योंकि अब मैंने क्रॉप्स भी लगाना चालू नहीं किए हैं। ओके तो मैंने थोड़ा बहुत सामान बना लिया, एक तो फाउंडेशन, मैंने एक डोर बनाया है जिससे मैं निकलूँगा, और थोड़े से मैंने ये बना लिया है क्या बोलते हैं इसको, वॉल्स, और हाँ रैम्प्स भी बना रहे थे। हाँ, को अच्छा याद आ गया, लाइक जस्ट इन केस अगर हम लोग बाहर से ना एक्सेस कर पाएँ उसकी इन्वेंट्री को तो हम लोग रैम्प्स बना लेते हैं जिससे हम लोग ऊपर से उसको टीम कर पाएँ। ओके तो दो रैम्प्स बना ली हैं एंड आई थिंक दैट शुड बी इट। हम लोग जाके देखते हैं अगर वो प्लीज़ वहाँ अभी भी हो तो, आई थिंक होना तो चाहिए भाई, देखते हैं ज़रा, यहीं कहीं पे होना चाहिए उसको। यार वल्चर से लड़ाई करते टाइम मर वर ना गया हो, बस यही दिक्कत है, वल्चर्स ही हैं जो परेशान हो सकता है कर रही हूँ उसको, इसलिए यार मैं जाना नहीं चाह रहा था जैसे ये भागे नहीं, पर अब हो गया भाई कांड। मेरे को लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा भाई, ये वाला तो नहीं है यार, ये वाला तो नहीं होगा यार, ये तो बहुत दूर है।
और इसके साथ एक और बंदा भी है, तो शायद ये तो नहीं होना चाहिए। 24 लेवल का है ये। दूसरा वाला कहाँ है इसका जोड़ीदार? ये है 8 लेवल का। एक ये नीचे घूम रहा है, ये तो नहीं है कहीं? एक मैंने नीचे जस्ट अभी देखा, किधर गया? ये वाला था क्या? ओ ब्रो, अचानक से पता नहीं कहाँ से आ गया ये, पर ठीक है, अच्छी बात है, आ गया। थोड़ा सा मैं मुझे को मेरे को और क्लियर करना पड़ेगा एरिया, क्योंकि डर्टी हो गया है एरिया। ओके, वेट अ लिटल सेकंड। हम लोग को यहाँ पर लगाना है अपना ट्रैप, थोड़े से फ्लैट ग्राउंड पर लगाऊंगा तो ज़्यादा सही रहेगा। उसको हम वहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे, तो इसको लगाते हैं। इस पे बैठे बैठे भी हो जाता है वैसे, जो कि अच्छी बात है। ओके, एक चीज़ की दिक्कत हो गई हमारे पास, जो है एक वॉल की। ठीक है, पर चलो ठीक है, एक काम करेंगे, इसको यहाँ पे हम लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पर और कुछ तो नहीं है अभी तो फ़िलहाल, तो यार मेरे को ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ पर हम इसको लेके आते हैं। ओए 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 ओए, ए बॉय, देख तो लेगा ना मेरे को, ये देख नहीं पा रहा यार, और मैं यहाँ से चढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। ओके, दैट इज़ बैड। तो क्या मुझे यहाँ पे एक रैंप लगा देना चाहिए? प्रॉबेबली शुड। या वैसे मैं गिली सूट पहना हूँ ना, तो वैसे मुझे नोटिस नहीं कर पा रहा है वो। या ओके, आई विल पुट दिस हेयर ब्रो, आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ नॉइस, प्लीज कम इन हेयर। ओ माई गॉड, इधर आना इधर आना, ये इधर क्यों नहीं आ रहा है? इसको पीछे से जाके मैं वो दूं क्या? पर फिर ये मेरे को मारने लग जाएगा यार, और मैं अगर मर गया ना तो मैं मर ही गया फिर। ये तोड़ भी नहीं रहा है सामान को, पता नहीं क्या ही कर रहा है ये। मैं इसको मारना नहीं चाहता क्योंकि इनकी हेल्थ कम रहती है यार काफ़ी ज़्यादा, बट ही लीव्स मी नो चॉइस। भाई मेरे ऊपर आ जाना यार, छोड़ो यार ये ऐसे नहीं मानेगा। एक काम करते हैं, हम लोग पूरा इसके पीछे से फ्लाई करके आए क्या? या वी कैन डू दैट आई गेस, क्योंकि इतनी देर से वहाँ पे लगा हुआ है अगर, तो यही करना पड़ेगा फिर, क्या करें? ओके ओके, हटा हटा उस पर से हटा वो। शुड आई ट्राई इट विद द गिली सूट? मेरे को ऐसा लग रहा है कि गिली सूट से हो जाना चाहिए यार, पर ये फिर मेरे पे कूद के आएगा भाई। छोड़ो छोड़ो, इतना रिस्क नहीं ले रहा मैं यही वाली चीज़ फिर से ट्राई करने वाला हूँ। पिछली बार शायद से मैं थोड़ा सही से किया नहीं था। अरे सुनो, एक काम करते हैं यार, एक काम करते हैं, इसको लगाओ ऐसे, ठीक है, और चुपचाप से इसको उठाओ और ट्रैप में डाल के देखो, ऐसे करके देखते हैं, हो सकता है शायद से ऐसे हो जाए। लाइक दिस इज़ माई बेस्ट पॉसिबल गेस। ओके, अब हम ट्राई करते हैं इसको इसमें सही से गिराने का। ओके, एकदम सही से गिराएंगे इसको इसमें, जो कि मेरे को नहीं लगता मेरे से हो पाएगा, पर ट्राई करते हैं। अरे इसको अपने घर वाले ट्रैप पे ट्रैप करने का ट्राई करूं क्या मैं? दैट कैन बी हैंडी एक्चुअली। ओके, मैं इसको अपने घर वाले ट्रैप पे लेके जाता हूँ, वहाँ पर मैंने सही से एकदम ट्रैप बना रखा है, क्या टू टॉल वाला, जो कि इसके लिए चाहिए हमें, वो ट्राई करके देखते हैं भाई, शायद से वो काम कर जाए हमारे लिए। ओह, गया गया गया, मैं तो ट्राई भी नहीं कर रहा था उसको डालने का, उसमें मेरे से गलती से गिर गया वो, पर चलो हमारा काम तो हो गया ना, हमको क्या, अब बस ट्राई करना है कि ये हमें मारे नहीं, वरना भाई सब लोग मारने लग जाएंगे इसको। दिक्कत बस वही है यार, ये यहाँ पे आए ना अगर एक बार, तो करके देखता हूँ इसके थ्रू, तो शायद वो मुझे नहीं मार पाए, बस दिक्कत ये है। अच्छा चलो, एक चीज़ ट्राई करता हूँ मैं, लेट मी ब्रिंग इन वॉल्स, जब ये एकदम कोने में जाएगा ना तो उसको ट्रैप कर दूंगा मैं एक कोने में, हाँ ये सही रहेगा। ओहो 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 ओहो, और बड़ा करो भैया, हमको रिस्क नहीं लेना, और बड़ा कर लो। ओ भाई साहब, ये तो गलत सीन कर रहा है, ये तो बहुत ही गलत सीन कर रहा है भाई, ये तो ऑलमोस्ट उछक पा रहा है, एकदम ऊपर तक आ गया था ऑलमोस्ट। ओके, मैंने इसको ऐसे ट्रैप कर दिया कि ये ट्रैप्ड है भी या नहीं है ये भी नहीं पता मुझे, तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, मार तो नहीं पा रहा भाई मुझे ये। ओके, अभी तो नहीं हो रहा है फिलहाल। ओके, वेल दैट्स बैड। ओ, वो ट्रैप हो गया, ट्रैप हो गया, नाइस। ओके, फाइनली हुआ यार, पता नहीं क्यों आ नहीं रहा था यार वो ई दबा के फीड करने का, सो प्रॉब्लम हो रही थी, अभी फाइनली जाकर हुआ है,
और देखते हैं एक और बार इसको, हमें हॉर्न खिलाना पड़ेगा। आई थिंक दो ही लगते हैं बस, होपफुली दो ही लगते हो। हमने टेमिंग स्पीड 8 कर तो रखी है, पर कभी कभार पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि ओ वैसे हो जाएगा हो जाएगा। ओके ओके आई कैन एक्चुअली सी 70% हो चुका है, 100% एफिशिएंसी। अगर मैंने इसको खुद पे एग्रो करा दिया सो दैट वुड नॉट बी गुड। ये जो एफिशिएंसी है वो चली जाएगी सारी की सारी, और ऑफ कोर्स हम वो नहीं चाहते हैं, तो थोड़ा सा इसको दूर ही रहते हैं। थोड़ी देर बाद जाकर देखूंगा कि ये ठीक हुआ या नहीं। अभी इसको भूख लग रही है क्या? भूख लग रही है भाई तुझे? वेट एंटिल इट्स हंग्री अगेन। ओके तो मैं एक चीज़ नहीं कर रहा था, वो है मैं अपना एग्रो नहीं हटा रहा था इस पर। सो मैं एकदम वाइवन से ऊपर हवा में गया और वापस नीचे आया ना, तब तक इसका एग्रो पूरी तरह से हट गया और ये एक जगह पे तब से स्टेबल बैठा हुआ है। तो अब सही सही से हो गया भाई ये। मैं तो यार प्रिफर नहीं करूँगा, तुम लोग इसको ट्रैप से करो अगर हो सके तो भाई, बग रिपेलेंट वगैरह बनाओ, मेरी तरह तो मत करो। पर इस टाइम पे हमारे पास जो अवेलेबल था वही यूज़ करना पड़ा, क्या कर सकते हैं। एंड देयर वी गो, हमारा डेथ बॉम्ब हम लोगों ने खिला दिया और हमारा मैंटिस हो चुका है टीम। क्या बात है भाई, इसका नाम को स्लैशर विलाशर रखूँ क्या मैं? स्लैशर रखना चाहता हूँ इसका नाम, स्लैशर ऐसे लिखते हैं ना। हाँ तो क्योंकि भाई स्लैश करने वाला है हमारे रिसोर्सेज हमारे लिए। अब इतना ज़्यादा क्रीपी नहीं लग रहा भाई, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले क्या है ना यार, अब तुम यार अगर पकड़ रहे हो तो किसी चीज़ को तो क्रीपी लगती है, तो ऐसे ही मुझे भी क्रीपी लग रहा था ये। बट आई गेस नाउ वी कैन सेफली से कि ही इज़ अ फ्रेंड। तो मैं सारी वॉल्स हटा देता हूँ, इसके लिए बैरियर्स जितने भी हैं सारे हटा देता हूँ मैं। आ जा मेरे भाई, तो पूरी दुनिया में फ्रीली घूम सकता है अब। हालांकि है तो अभी भी बहुत ज़्यादा ये क्रीपी। इसको चला के देखते हैं। चलो गाइस, मेरे पास इसकी पता है एसेंडेंट सैडल है, मेरे को काफ़ी सारी सैडल्स मिली थी इसके लिए। इतनी सैडल्स मिलती है ना भाई मैंटिस के लिए, क्या बताऊँ मैं। मेरे पास इसमें रखी तो होनी चाहिए, ये तो लाइमेंट्रिया की है। लेट मी सी इन माई चेस्ट, इसमें शायद से रखी हो। ओके इज दिस द वन? ओ या मैंटिस सैडल, असेंडेंट मैंटिस सैडल है मेरे पास। उसकी लेवल 167 हो गई, नाइस। इसकी हेल्थ है 1800, मेले डैमेज है 214, और स्टैमिना भी कम है, मतलब सब कुछ कम ही है यार। ये बंदा जो है एक्चुअल में थोड़ा नूबड़ा टाइप का ही रहता है। ओ ओ ओ माय गुडनेस, ये तो क्या बात है यार, तुम मतलब ऐसे एक जगह पे खड़े खड़े रोटेट कर सकते हो, मतलब इसके पैरों की वजह से ऑफ कोर्स। ये इसको कितनी देर में मारता है? 72 डैमेज यार। इसका वो दूसरा वाला जो अटैक था वो मेरे को देखना, चार्ज अटैक जो होता है भाई वो बड़ा सही लगता है अटैक वो। अच्छा ऐसा रहता है, राइट क्लिक करके रखते हैं तो होता है, काफ़ी सही है भाई। जेरबोआ को मार के देखते हैं। ओह नाइस, 171 डैमेज, नॉट बैड नॉट बैड नॉट बैड। हाइड काफ़ी अच्छा कलेक्ट किया यार इसने, क्या बात है यार। मतलब मीट अच्छा कलेक्ट नहीं करता ये, पर हाइड अच्छा कलेक्ट करता है, जो कि अच्छी बात है, हमें कभी कभी चाहिए भी पड़ेगा। इसकी हेल्थ बढ़ाऊंगा वैसे मैं, इसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी ना तो मरेगा ये जल्दी से। और बड़ी मुश्किल से टीम किया भाई, तुमको भी पता है, दो दो डेथ वॉर्म मारे उसके बाद भाई इतने झमेले करें। डेथ वॉर्म मारना इतना मुश्किल था ही नहीं भाई, डेथ वॉर्म मारना तो मैं तो बोलूँगा बिल्कुल मुश्किल नहीं था, पर ये करना बड़ा मुश्किल था। चलो हम लोग कुछ इसको टूल वगैरह देते हैं, जैसे कि हमारा ये हो गया, अगर हम इसको ये पकड़ाएं तो ये देखो भाई अपने हाथ में पिकैक्सेस पकड़ लेता है भाई, कितना सही लगता है यार। तो अगर हम अब इससे स्टोन वगैरह कलेक्ट कराएंगे ना तो शायद से अच्छा कलेक्ट करता है ये। ये तो कलेक्टेबल नहीं है, ये वाला है क्या कलेक्टेबल आई गेस? ओ नाइस, तो 77 फ्लिंट कलेक्ट किया इसने, अरे बाप रे, दो बार में तोड़ डाला यार। तो अगर मैं कलेक्ट करूँगा तो शायद से थोड़ा कम ही कर पाऊँगा और स्लो भी कर पाऊँगा, राइट। ओ 126 फ्लिंट, देख रहे हो। तो इसका यार इन्होंने वीट अच्छा नहीं रखा है, अगर इसका वीट अच्छा रख देते ना तो भाई बहुत ज़्यादा ओपी हो जाता है, पर इसका वीट इतना कुछ खास नहीं है इसलिए इतना होपी नहीं है ये, पर फिर भी काफ़ी अच्छा है भाई। अगर तुम एक बंदे को ऐसे साथ में लेकर आओ ना जो जिसका वेट काफ़ी अच्छा है, तो फिर ठीक है, मतलब तुम साइड साइड में अपना सामान भी रखते जाओ और तुम रिसोर्सेज भी कलेक्ट करते जा रहे हो, है ना। अच्छा वैसे इसको अगर हम कोई गन दें तो, आई मीन कैन वी इवन गिव हिम अ गन? लेट अस ट्राई। ओके आई डोंट थिंक यू कैन गिव हिम अ गन, वी कैन गिव हिम द हैचेट दो, और हम लोग स्वॉर्ड भी दे सकते हैं वैसे, स्वॉर्ड दे सकते हैं। सिकल तो मेरे ख्याल से इसके खुद के हाथ ही हैं सिकल, देखते हैं ज़रा बुशेस वगैरह कलेक्ट करा के देखते हैं, शायद से अच्छा फाइबर कलेक्ट करता है। हाँ भाई इसके जो हाथ है ना वो एक तरह से सिकल ही है पहले से ही, तो ये देखो फाइबर कलेक्ट करता है बंदा। और ये फाइटिंग के लिए तो भाई बिल्कुल भी नहीं है यार, ऑफ कोर्स, क्योंकि इसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, इसका स्टैमिना अच्छा नहीं है, मेले डैमेज ठीक है, बट इट इज़ प्योरली फॉर कलेक्टिंग रिसोर्सेज एंड नथिंग एल्स। स्वॉर्ड बनाने के लिए मेरे पास आयरन तो नहीं होगा शायद से,
लेट अस सी, मेरे पास हैचेट तो होनी चाहिए ना एक। हैचेट 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 नहीं हो तो बना लेते हैं ना। हैचेट के लिए तो हमारे पास है आइटम्स, और स्वॉर्ड भी खोल ही लेते हैं। चलो वैसे तो स्वॉर्ड्स यार उसमें से मिल जाती है हमारे, क्या बोलते हैं इसमें से, ड्रॉप्स में से, बट फिर भी बना लेते हैं एक नॉर्मल सी स्वॉर्ड। क्या बात है, इसको एक तो हैचेट देंगे और एक स्वॉर्ड भी देंगे। और भी क्या क्या पकड़ सकता है मुझे ज़रूर बताना यार कमेंट्स में, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता इसके बारे में, मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी बस। पर ये देखो यार क्या मस्त लगता है, दोनों हाथों में एक एक पकड़ लेता है ये। तो अब मैं ये देखना चाहता हूँ क्या ये मेरे जो वो है, क्या नाम है इसका, थॉर्नी ड्रैगन है, उससे ज़्यादा कलेक्ट करेगा या नहीं करेगा। आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट। अगर मैं इस पर वैसे चार्ज अटैक करूँ तो, ओ ब्रो कलेक्ट करता है इससे भी, ये मेरे को पता नहीं था। और ऐसे कितना करता है, ओके इस ऐसे तो ज़्यादा करता है भाई, चार्ज अटैक से इतना नहीं करता है, ऐसे ज़्यादा करता है। ओके भाई ये सब मैं फेंकने वाला हूँ, क्योंकि भाई अब मैं बस डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए दिखा रहा हूँ। ओके और अब वो आई शुड नॉट हैव थ्रोन द मीट, मीट दे दो भैया हमको वापस, मीट मीट थैंक यू। बाद में अभी हमें काफ़ी सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे यार, अब तो हमारे पास आ ही गया ही है, अब तो रिसोर्सेज हम कलेक्ट करते रहेंगे। तो वुड जब तुम चार्ज अटैक करते हो ना तो इतना नहीं कर पाता, पर अभी देखो ये देखो भाई 192 फ्रीकिन वुड यार, इतना तो भाई थॉर्नी ड्रैगन भी नहीं कर पाता यार। ये अल्टीमेट कलेक्टर भाई, अल्टीमेट कलेक्टर। अच्छा अब इससे अगर हम स्वॉर्ड पकड़ाएं, ओ माई गुडनेस ओके दैट लुक्स ऑसम। तो वहाँ पर तो वैसे रेक्सेस होते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू गो देर, बट आई शुड एक्चुअली ट्राई टू गो देर, देखते हैं ज़रा क्या होता है वहाँ पर। इसका मैं अभी वेट बढ़ाता हूँ यार, इसका वेट काफ़ी कम है। वहाँ पे टेक रेक्स आया भाई, आज तक अच्छा रेक्स नहीं मिला हमें टेक वाला, ये भी 19 लेवल का बेकार सा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा इस पे चार्ज अटैक अगर हम करें, 371 डैमेज, क्या बात है यार। और वैसे ऐसे वैसे कितना पड़ रहा है, इधर आ जल्दी से। अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा आगे चला गया यार, इतना आगे मैं नहीं जा सकता भाई, इतना आगे जाऊँगा तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊँगा। ओके यहाँ पर थोड़ा हाइना डॉन्स है, इन पर थोड़ा अपना तरकीब आजमाता हूँ मैं। ए हाइना मरना चाहेगा मेरे से, ओ भाई 6 पॉइंट्स बढ़ गया यार इससे तो। चलो मैं तो सारे का सारा वेट में लगाने वाला हूँ, वेट इसका बहुत ज़्यादा कम है। इसका अगर वेट 500 भी हो गया ना तो भी भाई मेरे को दिल को सुकून मिलने वाला है, क्योंकि भाई अभी तो कुछ ज़्यादा ही कम है यार सच में। इसको मार के देखते हैं, इस बार मैं चार्ज अटैक नहीं करूँगा, इस बार मैं नॉर्मल अटैक करके देखता हूँ। नॉर्मल अटैक से कितना पड़ रहा है, 219, क्या बात है यार, काफ़ी अच्छा है यार। तो अगर मैं वैसे नॉर्मली अटैक करता हूँ इससे तो 70 डैमेज दे पाता है बस ये, और चार्ज अटैक करके कुछ 100 के ऊपर कुछ डैमेज देता है। पर अगर मैं इसको स्वॉर्ड पकड़ाता हूँ, ओ भाई मतलब 500 तक डैमेज देता है ना ये, नहीं 500 नहीं सॉरी 300 तक डैमेज देता है हम, मतलब चार्ज अटैक से। क्या बात है भाई क्या बात है। चलो वही जो मेन काम था आज के एपिसोड का वो तो हो ही चुका है, हम लोगों ने इसको टीम कर लिया है और काफ़ी काम की चीज़ है। अब मैं फाइनली भाई काम चालू कर सकता हूँ अपने ऊपर वाले बेस पे, क्योंकि हमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए पड़ रहे थे और हम इतने कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे थॉर्नी ड्रैगन से। सो फाइनली वी कैन कलेक्ट डिसेंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज विद आर गाय नाउ। देखते हैं स्लैशर कितना मदद कर पाते हैं हमारी, 178 लेवल का हो चुका है ऑलरेडी है, क्या बात है। तो कुछ दिन मेरे कटने वाले हैं भाई इसी की पीठ पे, मेरे को इधर उधर जाना पड़ेगा। वैसे लगता मस्त है यार, देखो हम ऐसे एक तरह से पकड़े हुए हैं इसके कांटे को, लॉल मैन अजीब सा है थोड़ा सा, पर ठीक है, क्रीपी है पर ठीक है। चलो गाइस थैंक यू वॉचिंग द एपिसोड, आई होप यू गाइस लाइक ग्रेट, अगर मजा आए हो तो भाई लाइक स्लैप कर देना, नहीं तो आई विल स्टील योर पीपी। ओके बट दैट इज इट गाइस, थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड पीस आउट।